मिलेनियम सिटी गुरुग्राम, उसकी प्रगति, हमारे देश की प्रगति, प्रदेश की प्रगति में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है, उसका भी हमको लाभ मिलने वाला है। इसी प्रकार रेलवे के कई प्रोजेक्ट, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो, पहला हमारा हवाई अड्डा हिसार में तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी वहां डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इस प्रकार की फ्लाइट्स का विषय भी शुरू होगा। रेलवे का जाल फैलाने में आज एक बड़ी रेल लाइन रोहतक से लेकर के हांसी तक, क्योंकि उसके कारण से पश्चिम हरियाणा दिल्ली से बहुत छोटे मार्ग से जुड़ जाएगा, उसका भी आप उद्घाटन कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर में वहां पर पहली रेलवे गाड़ी जो है उसको शुभारंभ करने के लिए आप हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे के इतिहास में यह भी एक बहुत बड़ा दिन हमारे लिए है। और ऐसे ही जैसे बहुत प्रकार के सांस्कृतिक महत्व की बातें हम आज देख रहे हैं, अपने देश की जनता उस ओर कैसे आगे बढ़ रही है। 22 जनवरी का वो दिन जिस दिन अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर में, और वो एक ऐतिहासिक दिन बना है। देश में राम राज्य की जो कल्पना की जाती थी, एक प्रकार का प्रत्यक्ष, वैसे तो पिछले 10 सालों में आपने जो हमें राह दिखाई है, राम राज्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब और ज्यादा संकल्प पक्का हुआ है कि उस प्राण प्रतिष्ठा से हमारे हमारे नेतृत्व की प्रतिष्ठा भी बहुत बड़ी है। और जो और अच्छी बात हुई, अभी कल ही अबू धाबी में आपने जो मंदिर का जाकर के वहां उद्घाटन किया, और जिस प्रकार विदेशों में भी, कतर में भी ऐसे मंदिरों का जो उद्घाटन, ये भी दुनिया के इतिहास के अंदर एक नई बात जो हो रही है। उसी कड़ी के अंदर भले छोटा वो पग हो, लेकिन महत्वपूर्ण है कि कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण की धरती, महाभारत के काल को हम याद रखते हैं, हम इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन उसका प्रत्यक्ष कोई ऐसा केंद्र जिसका अनुभव आज किया जा सकता है, तो लगभग 250 करोड़ से लेकर यानी इससे भी ज्यादा राशि का एक अनुभव केंद्र वो बनाया गया है, उसका भी आज उद्घाटन आप करेंगे। तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर देश की है, वो निश्चित रूप से इसमें 4 चांद लगेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि देश की इस प्रगति में हरियाणा का अपना योगदान है। आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और जब कभी हम कोई अच्छे काम करते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उनका उल्लेख करके आप हमारी पीठ थपथपाते हैं, और इस कारण से हरियाणा भी आपके बताए मार्गदर्शन में दिन दुगनी रात चौगुनी करने, आगे बढ़त लगाने में, उसकी प्रगति करने में लगा है। और विश्वास दिलाता हूं, जो आपकी हरियाणा से अपेक्षाएं हैं उसको हम पूरा करेंगे, अपना देश दुनिया में एक विशेष स्थान प्राप्त करे, 5वीं शक्ति से हम 3री शक्ति, आर्थिक शक्ति दुनिया में बन जाए, दुनिया के अंदर भारतवर्ष को विश्वगुरु कैसे कहलाया जाए, इसमें जो भूमिका है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप हरियाणा से जो अपेक्षा करते हैं उसको हम पूरा करेंगे। आज इस अवसर पर मैं हरियाणा की 2,80,00,000 जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आज इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का। देवियों सज्जनों, अब वो ऐतिहासिक घड़ी आ पहुंची है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने कर कमलों से एम्स माजरा सहित अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे, जिनका विवरण आप फिल्मों के रूप में भी यहां देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। मैं इस समय निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर इन परियोजनाओं की शिला पट्टिकाओं का अनावरण करने की कृपा करें और आप सभी उसमें शामिल हों।